कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो हमारे मनमोहन सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है, भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है। और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आपकी भी विधानसभा में करते हैं। देखिए, पूरी विधानसभा में हर विधायक परेशान है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना करके और अगर कांग्रेस का कोई काम करेगा, रिकॉर्डेड काम करेगा, और आप उसको एक विभाग का सांसद प्रतिनिधि बनाएंगे, तो क्या ये न्यायोचित है? वो बहुत सीनियर है और सीनियर के हिसाब से हम सब सम्मान करते हैं और जी जान लगा के सारे विधायकों ने काम भी किया है, और भाजपा के वो हैं, भाजपा के हमें, तो पार्टी गाइडलाइन पे सबको चलना चाहिए। इस तरह की बात आई है कि भाजपा के ही लोगों ने भाजपा को हरवाया था, मंत्री ने ये भी कहा है, उनको सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, अपराधियों को बना दिया है। देखिए, मैंने पहले कह चुकी हूँ, हरवाने की बात क्या है, जब आप पोलिंग एजेंट हो तो कांग्रेस ही हो, आप काउंटिंग एजेंट हो तो कांग्रेस ही हो। और निश्चित ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर शराब के छापा लगे, वो तो रिकॉर्डेड होता है सारी चीज़, तो उनको देख के करना चाहिए, क्योंकि विधायक भी आपका है, आपके सानिध्य में रहता, आप सीनियर हैं, और आप हम लोगों पे सानिध्य नहीं देंगे, आप हम लोगों के अकॉर्डिंग या पार्टी के अनुसार काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ होगी। और जो भाजपा का विरोध करने वाले के हौसले बढ़ते जाएंगे, तो भाजपा का जो 4 महीने पहले विरोध कर रहे हैं, एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, आप उनको सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी चुप हैं, क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता। पार्टी लेवल पर इस बात को रखा जाएगा कि आप लोगों की, अब पार्टी खुद देख रही होगी, क्या मैं रिकॉर्ड निकाल के दे दूँ कि फला आदमी, फला व्यक्ति ये पोलिंग एजेंट था, काउंटिंग एजेंट था, कांग्रेस का था, हमारी विधानसभा का था। पार्टी रिकॉर्ड मांगेगी तो रिकॉर्ड, अगर पार्टी जब नहीं सुनेगी तभी तो विधायक अपनी पीड़ा आपके सामने जाहिर कर देगा। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।